कहाँ से आए हैं? क्या नाम था पिताजी का? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कोई भर्ती नहीं लिया, वहीं पे एक्सपायर कर गए। कोरोना पॉजिटिव थे, साथ मेरे पापा। कहाँ से आए हैं? लकी ड्राइव का। क्या नाम था पिताजी का? कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। कहाँ, यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए रात में आए थे, तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए, तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? एनएमसीएच। तो बोले कि ठीक है, हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप में ही खड़े रहे थे, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। पूरा लापरवाही किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु, ठीक ठीक। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कोई भर्ती नहीं लिया, वहीं पे एक्सपायर कर गए। तो ऑक्सीजन है यहाँ तो, यहाँ IGMS इंदिरा गांधी में भी यही हाल है। पेशेंट को ऑपरेशन का डेट दे रहे हैं, 12 घंटे पहले कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, और जब हम यहाँ भर्ती करवा दिए ना, तो कह रहे 50,000 रुपये दे दो, उसी डॉक्टर से प्राइवेट से करवा देंगे आपका ऑपरेशन। कैंसर का अस्पताल है, IGMS में कैंसर में भर्ती है, वहाँ लेते पेशेंट को, कैंसर के मरीज हमें यहाँ ले कर आए। यहाँ डॉक्टर बोले इनको कोई कोरोना नहीं है, यहाँ क्यों? मरीज मर गया, ये तो मरीज मर गया बेचारा कोविड से। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो बबीता है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की, जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए, और आज NMCH आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ, सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। चीज में जिंदा को मुर्दा के मामले में आपने कार्रवाई किया है, सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हुए हैं? जो भी दोषी होगा कोई बक्सा नहीं जाएगा। एक मरीजों को फिर आप लोगों ने, मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बक्सा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप जाँच हो रही है, जाँच हो रही है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई, और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूँ कि गंभीर विषय था, और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है, तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं, कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं, और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अभी सर एक आपके ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है, और पिछले 1 महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है उसको बेहतर करने के सारे इंतजाम किए गए, और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, हमारा जो पूर्व का अनुभव है वह अनुभव भी काम आ रहा है, हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है, और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।